नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील राठौर। मैं एक कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में लोग पूछने में भी झिझकते हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे गायनेकोमेस्टिया यानी मेल ब्रेस्ट के बारे में। गायनेकोमेस्टिया या मेल ब्रेस्ट का मतलब है पुरुषों में स्तनों की वृद्धि का होना। मतलब यदि मेल चेस्ट फीमेल ब्रेस्ट के जैसा दिखाई देने लगे तो आप समझिए कि वो गायनेकोमेस्टिया है। बॉडी में दो डोमिनेंट हार्मोन्स होते हैं। एक होता है टेस्टोस्टेरोन जो मेल कैरेक्टर को प्रोड्यूस करता है, और दूसरा होता है ईस्ट्रोजन जो फीमेल कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किन्हीं कारणों से जब ईस्ट्रोजन का एक्शन ज़्यादा हो जाता है तो मेल के चेस्ट के फैट और ग्लैंड्स दोनों की वृद्धि होने लगती है, और उस वृद्धि के कारण चेस्ट में उभार आना शुरू हो जाते हैं और मेल चेस्ट फीमेल ब्रेस्ट के जैसा दिखाई देने लगता है। गायनेकोमेस्टिया 13-14 साल की उम्र से लेकर 35-40 साल तक की उम्र के किसी भी लोगों को हो सकता है। ये अक्सर 18 साल की उम्र से लेकर 30 साल तक की उम्र के लोगों में अधिकतर देखा जाता है। गायनेकोमेस्टिया के मरीज अपनी बॉडी इमेज को लेकर एक लो कॉन्फिडेंस को फील करते हैं, जिसके कारण कई बार वो सीवियर डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। ये मरीज शर्म के कारण ना तो अपने फैमिली मेम्बर्स और ना ही फ्रेंड्स के साथ इस बीमारी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। ये मरीज ना तो अपने मनचाहे कपड़े पहन पाते हैं, ना ही पब्लिक प्लेस जैसे स्विमिंग पूल जैसी जगहों पर अपने कपड़े उतारने में बहुत शर्मिंदगी को महसूस करते हैं। कई बार तो इनके फ्रेंड्स भी इस बीमारी को लेकर इनको बहुत चिढ़ाते हैं। तो आइए जानते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। गायनेकोमेस्टिया का कोई भी सक्सेसफुल मेडिकल ट्रीटमेंट टिल डेट अवेलेबल नहीं है। सर्जरी ही इसका एकमात्र बेस्ट ऑप्शन है। आजकल लाइपोसक्शन सर्जरी द्वारा गायनेकोमेस्टिया का इलाज किया जाता है। इसमें किसी भी तरह का बड़ा चीरा नहीं लगाया जाता है, ना ही सर्जरी के दौरान या उसके बाद में कोई सिग्निफिकेंट पेन महसूस करते हैं। इवन कुछ घंटों बाद ही आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि लाइपोसक्शन सर्जरी किस तरह से होती है और उसके बाद किन सावधानियों को हमको बरतना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के इन्फॉर्मेशन ज़रूर हेल्पफुल होगी। यदि आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हम आपके सारे सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, आप हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।